राजकीय महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय के 8 विद्यार्थियों का NMMS की परीक्षा में चयन होने पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर के माला पहनाकर के उनका अभिनंदन किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य रवि वशिष्ठ ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से हर साल गरीब परिवार के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति में चयन के बाद अगले 4 सालों तक अध्ययनरत रहते हुए 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, जो सीधे ही इनके खाते में जमा होगी। छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय के कनिष्का प्रजापति, ईशान सिंह, वंशिका पारिता, वैशाली हाडा, परितवर, महक शर्मा, सत्यम तंडेल व विशाल कुमार का प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन होने पर विद्यालय स्टाफ ने खुशी का इजहार किया। हमारे यहाँ से 8 बच्चों का चयन हुआ, ये NMMS का एग्जाम था, तो बच्चों ने पूरी तैयारी से इसको दिया है जी। और काफी बच्चों में इन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है। इन बच्चों को एक साल के अंदर 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी और 4 साल तक 48,000 रुपये मिलेगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे इसी तरह से आगे बढ़े और खूब उन्नति करें और जिले में नाम रोशन करें। प्रधानाचार्य रवि वशिष्ठ ने बताया कि चयनित छात्र छात्राओं को अपना आधार कार्ड, बैंक की डायरी, IFS कोड सहित 8वीं पास की अंक तालिका, अध्ययन प्रमाण पत्र व अगले 4 साल तक नियमित उपयोग में लिए जाने वाले मोबाइल नंबर देनी होंगे। ऐसे में छात्रवृत्ति सीधे ही इनके खाते में जमा होगी। पंजाब केसरी के लिए बाल बहादुर सिंह की रिपोर्ट।